तो ये तो अपने डेफिनेशन तो देख ली, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन या कोई भी जनरल डेफिनेशन है अपने देख ली, समझ में आ गई डेफिनेशन। तो अब जो नेक्स्ट इसमें आ रहा है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉल्यूशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में टोटल मिला के फोर फैक्टर्स हैं, फोर फैक्टर्स, कौन कौन से फोर फैक्टर हैं इसमें आएंगे, नेचर, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, आगे बात समझ, नेचर, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर। अब देखो नेचर, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, शॉर्ट में अपने इसको एनएनटीपी बोलते हैं, एनएनटीपी, एनएनटीपी, नेचर, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर। तो दो नेचर किसकी, दो बार लिखा है नेचर, दो नेचर किसकी, एक नेचर सॉल्यूट की, एक नेचर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन चैप्टर में ऐसे चलते, दो दो नेचर जब भी हो तो एक सॉल्यूट की होगी, एक सॉल्वेंट की होगी, ठीक है। तो दो, एक नेचर ऑफ सॉल्यूट होगा और एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ही एक्सटर्नल फैक्टर। इस तरह से चार फैक्टर है जिन पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर लेते हैं अपन, नेचर ऑफ, है ना, सॉल्यूट का लेना, और सॉल्यूट हमारी कौन है अभी, गैस है, तो नेचर ऑफ गैस बीइंग डिसॉल्व, जिस गैस को हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं उसकी नेचर, जो गैस डिसॉल्व होने जा रही है उसकी नेचर, आगे बात समझ में, क्योंकि हमको पता है सारी गैसें, हर गैस जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है वो सेम लिक्विड में, सेम सॉल्वेंट में इक्वली डिसॉल्व नहीं होगी, वो सब गैस की नेचर पर डिपेंड करेगा, किस तरह से डिपेंड करेगा, है ना। तो एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं इसको, फॉर एग्जांपल अगर अपन ने इस तरह से क्लोज कंटेनर में सेम कंडीशन लगाई, प्रेशर की कंडीशन सेम है, इस तरह कहते हैं प्रेशर, प्रेशर, है ना, सेम प्रेशर लगाएंगे सभी के सभी, जब भी किसी एक फैक्टर की स्टडी करेंगे तो बाकी के अदर फैक्टर्स को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अब जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है वो तीनों के केसेस में क्या लगी, सेम लगी, ठीक है, टेम्परेचर भी सभी में क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया। अब यहां हमने कोई गैस ली है एक्स टू, यहां कोई गैस ली हमने वाई टू, और यहां पर गैस लिए हमने Z, ठीक है, गैसेस के मोल्स भी फिक्स लिए अपन ने, अमाउंट सेम रखे हैं अपन ने, ठीक है, लिक्विड भी सेम है, सॉल्वेंट सेम है, उसका भी अमाउंट भी सेम है, बस केवल क्या चीज अपन ने इसमें डिफर कर रखी है, गैसेस जो है हमने डिफरेंट ले रखी, एक X2, एक Y2, एक Z2। तो क्या हम बता सकते हैं क्या तीनों गैसे इक्वली डिसॉल्व होगी, इक्वली तो नहीं होगी, है ना, क्योंकि गैस अलग अलग है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, कौन सी गैस कम डिसॉल्व होगी, तो ये बोला गया कि जिस गैस के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जिस गैस के खुद के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे वो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का आइडिया दे दूं इनकी, है ना, अगर मैं आपको बोल दूं कि इनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इस ऑर्डर में, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, अगर वो इस ऑर्डर में X2, Y2 और Z2, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गर किसके हैं, Z2 के, है ना। अब आप बताओ कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगी, जिस गैस के इंटरेक्शन सबसे स्ट्रांग होंगे वो ज्यादा डिसॉल्व होगी, क्यों, कि गैस के इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांगर होते हैं, तो जब गैस का एक मॉलिक्यूल इसके साथ अंदर एंटर करता है तो उसी के साथ साथ में उसके कॉन्टेक्ट में आने वाले मॉलिक्यूल भी एंटर करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्लोजर होंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो एक मॉलिक्यूल आएगा तो उसके साथ में और भी उसके साथ जो इंटरेक्टेड मॉलिक्यूल है वो भी अंदर आने लगेंगे, ठीक है। ये अंदर क्यों आएगा, एक कोई भी एक क्यों आएगा, वो इसके जो लिक्विड सर्फेस है, लिक्विड सर्फेस के ऊपर जो इंटरेक्शन लग रहा है, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना, जिसकी वजह से सर्फेस टेंशन डेवलप होता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो भी सरफेस के कॉन्टेक्ट में, और जो सरफेस के कॉन्टेक्ट में जो मॉलिक्यूल इसके अंदर अट्रैक्ट होगा तो जो उसके कॉन्टेक्ट में जो मॉलिक्यूल है वो भी उसके साथ साथ आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, मॉलिक्यूल पास पास में, क्लोजर है। यही चीज अगर आप X2 वाले केस में देखते हो, तो X2 में जब लिक्विड
इसको इनके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उसके कॉन्टेक्ट में उतने क्लोजर कोई मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि इंटरेक्शन वीक है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, ठीक है, मॉलिक्यूल दूर दूर है तो फिर वो उतने अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ज्यादा अमाउंट गैस का कहां आने वाला है, जिन गैस के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ज्यादा है उस गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटर करेंगे, जिसके इंटरेक्शन वीक है उसके इंटर कम करेंगे। आ रही बात समझ में? एक बार और समझो दोबारा, क्या बोला गया कि इसके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होने से क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल को बुलाएंगे तो उसके साथ में और भी कई सारे मॉलिक्यूल उससे जो कॉन्टेक्ट में वो भी आ जाएंगे क्योंकि वो काफी क्लोजर है। एक्स टू में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक मॉलिक्यूल जब आ रहा है तो उसके आसपास में कॉन्टेक्ट में सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल है वो कम है एज कम्पेयर टू जेड टू गैस। क्यों कम है? क्योंकि इंटरेक्शन वीकर है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, उसके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो पास होंगे तो ज्यादा आएंगे। आगे तो जिस गैस के मॉलिक्यूल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं वो गैस ज्यादा डिजोल्व होती है, है ना। तो यहां से क्या रिलेशन बन जाएगा, यानी कि सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ द गैस। बात समझ में? तो सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बन गया, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ द गैस। आगे इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है अपने लिए, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का आइडिया हमको प्रैक्टिकली पता नहीं चलता है कि हमको किसी गैस के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का आइडिया, की कोई गैस है हम नहीं बता सकते, हम अलग अलग गैसेस भी हो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, देख के नहीं बता सकते प्रैक्टिकली कि किस गैस के अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे किसके वीकर होंगे। तो इसका क्या तरीका है, ये हमें कैसे पता चले कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन? इसके लिए तरीका यह है कि उस गैस को लिक्विफाई करके देखते हैं। क्या करके देखना है आपको? लिक्विफाई। आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, इन तीनों में से कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी? भाई लिक्विफाई करना है यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स को और पास लाना है, यही करना है ना। तो किसके मॉलिक्यूल, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी? तो Z2, इसमें Z2 सबसे जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लिक्विफाई करने में हमको करना क्या है, गैस के मॉलिक्यूल को पास लाना है, गैस के मॉलिक्यूल को पास लाना है। और अब जिसके मॉलिक्यूल पहले से पास है ना, जैसे Z2 की बात कर रहे हैं, जिसके मॉलिक्यूल पहले से पास है तो फिर उनको और पास लाने में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजिली पास आ जाएंगे। तो कौन सी गैस जल्दी से लिक्विफाइड हो जाएगी? Z2। आगे तो क्या बोल रहे हैं अपन बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का आइडिया हमको प्रैक्टिकली नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं कि कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होती है। जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी उसके इंटरेक्शन यानी कि उतने स्ट्रॉन्गर है। आ रही बात समझ? तो अगर इनकी लिक्विफैक्शन का ऑर्डर बने तो इसी रिलेशन को फिर आप क्या कर सकते हो, यहां मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस। आ रही बात समझ में? जो गैस, जिस गैस के इंटरेक्शन जितने स्ट्रॉन्गर होंगे वो उतनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, और इंटरेक्शन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगी होगी, वो तो हमने देख ही लिया। आगे समझ में? तो कैसे पता करें किसी गैस के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है? पता करो कि उसका ईज और लिक्विफैक्शन कैसा आ रहा है ना। तो लिक्विफाई कर करके देखते हैं, तो प्रैक्टिकल तरीका यही है कि लिक्विफाई करके देखो, जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी इसका मतलब उसकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, और इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्गर है तो सोल्यूबल ज्यादा होगी। आगे एक बात तो ये होगी। अब बात ये आती है कि साहब हम क्या अब गैसेस को लिक्विफाई कर करके देखते रहेंगे क्या? तो वो सारा काम साइंटिस्ट लोगों ने कर रखा है, हमें करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कोई प्रैक्टिकली लैब में जाके इनको लिक्विफाई नहीं करने वाले, वो सब साइंटिस्ट लोगों ने कर रखा है, और हमको उसके लिए फिर एक डेटा दे दिया है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको, है ना। तो लिक्विफैक्शन के लिए फिर फर्दर जो हमको चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो हमको गैसेस के, सभी गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन होते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर का आइडिया से फिर हम क्या कर लेंगे, उसके लिक्विफैक्शन का आइडिया लग जाएगा, लिक्विफैक्शन के आइडिया से इंटरेक्शन का आइडिया लग जाएगा, और उसी से फिर सॉलिबिलिटी का भी आइडिया हमको मिल जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको टीसी से डिनोट करते हैं, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर अबोव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउसोएवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड ऑन द गैस। आ रही बात सुनिए, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर
गैस को चाहे जितना प्रेशर लगा दो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से हमको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, और जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी उतनी ज्यादा फिर सोल्युबल होगी, क्योंकि इसके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, आगे और इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी होगी, हमने देख लिया स्टार्टिंग। आ रही बात समझ में? इतना समझ में आया? तो ओवरऑल अगर सारा रिलेशन अपन कंक्लूजन अगर बनाए तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या बनता है, अपन सबको यहाँ पे सम अप करके लिखें तो कैसा लिखेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे, फिर है ना, देखो कैसे लिखेंगे, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉलिटी गैस इन अ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ द गैस। बट ये चीज हमको प्रैक्टिकली मिलती नहीं है, ठीक है, इसे इसको स्किप करना पड़ेगा, और इसके बदले में क्या लाना पड़ेगा, इज़ो लिक्विफैक्शन, इज़ो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अब इज़ो लिक्विफैक्शन भी अब हम लिक्विफाई तो करने बैठेंगे नहीं, तो उसके लिए भी क्या लाना पड़ेगा हमको, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। आई बात समझ, कुल मिला के रिलेशन ये बन जाता है, आ रहा है। और अगर सीधे सीधे देखें तो सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली आ गई है, क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो अब आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी, टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। अगली बात समझे, है ना, ये था। अब अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जो अपनी ऑर्डिनरी गैसेस हैं, ऑर्डिनरी जो गैसेस हैं अपनी, है ना, लाइक H2O2N2Cl2, है ना, इन सबके क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, इनके टीसी लो है। अगर टीसी लो रहेगा तो सॉल्युबिलिटी इनकी क्या आएगी, कम आएगी। ऑन द अदर हैंड जो अदर गैसेस हैं, जैसे कि अगर अपन अदर गैसेस की बात करें, है ना, लाइक CO2, अमोनिया, HCl, SO2, SO3, NO, NO2, है ना, तो इन सबके क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, इनके कंपेरिजन में हाई है, और हाई है इसलिए फिर इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। आ गया समझ में? आ रही बात समझ में? एक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, देखो CO2 एंड H2 विच वन इज मोर सोल्यूबल इन वॉटर, आ गया। तो आप कह सकते हो CO2 H2, तो H2 का तो टीसी क्या है, कम है, CO2 आ जाता है तो टीसी, तो CO2 ज्यादा सोल्यूबल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें CO2 एंड अमोनिया, CO2 एंड अमोनिया, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, CO2 एंड अमोनिया विच वन इज मोर सोल्यूबल। अब देखो, अब CO2 और अमोनिया दोनों यहां पे आ गई है, लेकिन अमोनिया हमको पता है क्या है, पोलर, पोलर भी है, एच बॉन्डिंग भी करती है वॉटर के साथ, CO2 तो नॉन पोलर भी है, आ गया। तो कौन सी ज्यादा सोल्यूबल होगी, अमोनिया ज्यादा सोल्यूबल होगी, आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अमोनिया एक तो पोलर है, ठीक है, और साथ में ये एच बॉन्डिंग भी कर लेती है वॉटर के साथ, तो दोनों ही चीजें, इसलिए फिर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। CO2 हमारी कैसी है, नॉन पोलर है, क्योंकि CO2 की जो है लीनियर स्ट्रक्चर होती है, तो लीनियर से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए फिर नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी कम है, आगे। तो ये था अपना फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ गैस जो डिजोल्व हो रही है वो कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, आगे समझ में। तो फर्स्ट फैक्टर नेचुरल गैस बीइंग डिसॉल्व हमने कर लिया, आ गया। तो फोर फैक्टर है, एक कर लिया, अब आते हैं अपन सेकंड फैक्टर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ देखो, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी लिक्विड, ठीक है। ये बिल्कुल इजी सा फैक्टर है, आपको आता भी होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है, कौन सा है, लाइक डिजोल्व लाइक, आगे लाइक डिजोल्व लाइक्स, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों सेम नेचर के हैं तो सॉल्युबिलिटी हाई आ जाएगी, और अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या बात कर रहे हैं, पोलर गैसेस, क्या पोलर गैसेस इन
पोलर सॉल्वेंट, पोलर गैसेस इन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, तो सॉल्युबिलिटी हाई, सॉल्युबिलिटी हाई, ठीक है। पोलर गैसेस इन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी हाई, एग्जांपल अमोनिया, HCl, SO2 एक्सेट्रा, है ना, ये सब क्या है पोलर गैसेस है, तो इनकी आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, मोर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर भी गैस है, वाटर भी पोलर है, ठीक है। तो ये गैसेस भी कैसी हैं, पोलर, ये गैसेस कैसी, पोलर, वाटर भी कैसा, पोलर, तो पोलर इन पोलर सेम नेचर के हो गए, तो सोल्युबिलिटी क्या आएगी, हाई आएगी, इसलिए कैसे है मोर सोल्यूबल। इन्हीं गैसेस को अगर आप किसमें करते, इन बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन में या किसी हाइड्रोकार्बन के सॉल्वेंट में, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या आती है इनकी, लो आती है, सॉल्युबिलिटी लो आ रही है समझ। तो पोलर गैसेस इन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी हाई आएगी, पोलर गैसेस नॉन पोलर में हो, है ना, या इसका अपोजिट कर दो, नॉन पोलर गैसेस इन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी लेस आएगी, सॉल्युबिलिटी लेस, लेस सॉल्युबल होती आ रही बात समझ, ठीक है। तो नॉन पोलर गैसेस इन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी कम आती है, आगे ये था। तो नेचुरल सॉल्वेंट लाइट इज ऑल लाइक, इसके अलावा एक और फैक्टर, इसी में एक और फैक्टर बन जाता है, जो गैसेस सॉल्वेंट से रिएक्शन कर ले, जैसे कि अगर अपन HCl की बात करें, HCl को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो HCl वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, HCl वाटर क्या होती है, इसमें आयनाइज हो जाती है, आयनाइज होकर क्या बना लेगी, H3O+ और Cl-। इसी तरह से अमोनिया की बात करें, अमोनिया वाटर बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करके NH4+ और OH-, ठीक है। तो जो गैसेस वाटर से अगर रिएक्शन ही कर ले, सॉल्वेंट से अगर रिएक्शन ही कर ले, तो वो कंपेरेटिवली मोर सोल्युबल होती है, है ना। तो HCl अमोनिया ये कंपेरेटिवली मोर सोल्युबल है, आ गया। तो सेकंड फैक्टर का नेचुरल सॉल्वेंट लाइट इज ऑल लाइक, अगर सेम नेचर के हैं, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर के हैं, तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी, डिफरेंट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा अपन ने देखा कि अगर कोई रिएक्शन ही कर लेती है गैस, तो फिर वो सॉल्युबिलिटी वैसे भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर इन्हीं गैसेस को आप बेंजीन में डिसॉल्व करते हो, तो वहां ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है, तो वहां फिर सॉल्युबिलिटी काफी कम आती है, आगे समझ में। तो ये था अपना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आगे दोनों फैक्टर समझ में, दो फैक्टर अपन ने किए नेचर नेचर वाले, है ना, एक तो नेचुरल गैस वाला कर लिया, एक नेचुरल सॉल्वेंट वाला कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आ रहा है, टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर वाला।